नीतीश कुमार को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता का ये बड़ा बयान जब से सामने आया है बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश बाबू ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा महागठबंधन में आते हैं तो पार्टी में किसी भी हद तक जाने को है तैयार, क्या बात है। रघुवंश बाबू ने यह बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। राजद के सीनियर नेता है रघुवंश प्रसाद सिंह और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। अपनी आवाज पर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन में आने को तैयार है तो उनके लिए वो राजद में लड़ाई भी लड़ सकते हैं, लेकिन आज वो पार्टी में किसी भी हद तक जाने को लेकर तैयार होने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों रघुवंश बाबू ने कहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रघुवंश बाबू ने कहा कि मैं जन नेता हूँ, 5 बार लोकसभा जा चुका हूँ, मुझे राज्यसभा नहीं जाना है। राज्यसभा क्यों जाऊँगा? गौरतलब है कि 12 जनवरी को लालू यादव को लिखे अपने पत्र में रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी की तरफ से तय किए गए कार्यक्रम पर अमल नहीं करने का आरोप लगाया था। रघुवंश बाबू ने कहा था कि साल 2020 बिहार में चुनाव का साल है और ये आरजेडी के लिए भी निर्णायक स्थिति है। ऐसे में पार्टी संघर्ष और कार्यक्रम से पीछे कैसे हट सकती है? बिना देरी के हर स्तर पर समितियों और वर्ग संगठन के गठन और उस पर लगातार चर्चा की जरूरत बताई उन्होंने। सत्ताधारी पक्ष की तरफ से आरजेडी पर किए जा रहे हैं लगातार हमलों का उन्होंने जवाब नियमित तौर पर नहीं दिए जाने पर अपनी भड़ास निकाली थी। रघुवंश बाबू ने गंभीर आरोप लगाया था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जगदानंद सिंह के साथ साथ तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए थे और अब ये बड़ा बयान देकर खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार के लिए आरजेडी में बड़ी जगह है? इस पर दीजिए अपनी राय। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।